हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। जो आज की हमारी वर्कशीट रहेगी वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के ऊपर रहेगी और ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 है। आप यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, आपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं और ये क्लास 9th से लेके 12th तक है। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे आज की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और ये क्या हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त को समझने के लिए उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे और उसकी सहायता से दूसरों को समझने का महत्व और उसका तरीका आजमाया था। इसी अभ्यास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अपने आसपास की किसी समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों को समझते हुए कैसे काम किया जाता है ये प्रयास करेंगे। तो हम आज इसकी वर्कशीट में और देखेंगे कि और सीखेंगे कि दूसरों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, आइए शुरुआत करें एक चित्र बनाने से। नीचे दिए गए बॉक्स में अपने घर के आसपास, अपने स्कूल या अपनी किसी मनपसंद जगह का मानचित्र मैप बनाइए। उस मैप में बनाई गई जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए मैप नीचे दिया गया है। स्टेप 1 में क्या है, आपको एक मैप बनाना है, मानचित्र बनाना। आप अपने आसपास के जगह का बना सकते हो, अपने स्कूल का बना सकते हो, किसी मनपसंद जगह का आप मानचित्र मैप बना सकते हो। नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसमें ये एग्जाम्पल आपके स्कूल का एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स हैं, ये आर्ट रूम है, ये कॉरिडोर है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपका असेंबली एरिया बना रखा है, ये आपके क्लासरूम्स हैं, ये बीच में फिर से कॉरिडोर, ये क्लासरूम, यहाँ पर कंप्यूटर रूम है, ये साइकिल स्टैंड है, ये स्टाफ रूम है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मेन गेट 2 है। यहाँ पर नीचे ये कुछ स्विंग्स झूले दिए गए हैं, प्लेग्राउंड है ये आपका। तो ऐसे आपको एक मानचित्र बनाना है। और आपकी मैंने सहायता के लिए मैंने अपनी कॉलोनी का एक मैप बनाया है और उस कॉलोनी का मैप आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है माई कॉलोनी मैप। यहाँ पर मैंने हाउस नंबर शो कर रखे हैं, ये बीच में रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है, और ये पार्क है यहाँ पर जिसमें काफ़ी झूले लगे हुए हैं, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है यहाँ पर, ये फील्ड्स हैं और यहाँ पर खेत खलिहान हैं, और ये यहाँ देखिए एक प्लेग्राउंड भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे आप अपना चित्र बना सकते हैं अपनी कॉलोनी का या अपने मनपसंद एरिया का। यहाँ पर स्टेप 2 में देखिए क्या करना हमें। अब इस मैप में हरे रंग की बिंदी से ब्राइट स्पॉट और काले रंग से हॉट स्पॉट दर्शाइए। ये आप अपने अनुभवों और अवलोकन ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाए। अब ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट क्या है, आपकी चुनी गई जगह की अच्छी बातें, जैसे कि खेलने के लिए खूब सारी जगह या साफ सुथरे टॉयलेट्स एवं सुरक्षित स्थान आदि, वो ब्राइट स्पॉट हो सकते हैं। हॉट स्पॉट आपकी चुनी गई जगह की वो बातें जो आपको पसंद नहीं हैं, जैसे कि गंदगी होना या रात को अंधेरा होना एवं असुरक्षित स्थान आदि। तो आपको ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट मैप में आपको बनाने हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो ब्राइट स्पॉट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी होंगे फील्ड्स हैं यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स, यहाँ पर प्लेग्राउंड है हमारे पास ब्राइट स्पॉट, और जो मैंने हॉट स्पॉट बनाया है वो बनाया है यहाँ पर नो पब्लिक टॉयलेट, कोई भी सार्वजनिक शौचालय मेरी कॉलोनी में नहीं है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मानचित्र मेंशन किया है। यहाँ पर जगह भी है लेकिन यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी के सभी लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, अब अपनी हॉटस्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन ले जिस पर आप काम करना चाहेंगे। इस मुद्दे को चुनने के लिए पीछे के अपने कारण को साझा करें कि आप जो हॉटस्पॉट आपने जो बनाया है उसमें से एक मुद्दे को चुनें और इस मुद्दे को आपने क्यों सिलेक्ट किया है उसका आप कारण भी हमें बताएं। तो यहाँ पर जो मैंने चूज़ किया वो क्या किया, सार्वजनिक शौचालय। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मैंने सार्वजनिक शौचालय को हॉटस्पॉट का मुद्दा चुना है क्योंकि सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण हमारी कॉलोनी में सफाई कम रहती है, मतलब गंदगी रहती है। तो ये आप चुन सकते हो, ये आप एक सैंपल की तरह मैंने आपको बनाया, आपको ये दर्शाया है कि हॉटस्पॉट आप अपने एरिया के हॉटस्पॉट भी अपने इस मैप में दिखा सकते हो।
स्टेप फोर में देखते हैं क्या है। स्टेप फोर में है चुने हुए मुद्दे और स्पोर्ट के आधार पर निम्न तालिकाएं भरें। उदाहरण स्कूल के में मिड डे मील की बर्बादी। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दे रखा है कि कैसे आप चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण और उस मुद्दे से जुड़े हुए विभिन्न लोग कौन कौन से हो सकते हैं। जब आपको एग्जाम्पल दे रखा है मिड डे मील के बारे में, जैसे बच्चों को जो खाना पसंद नहीं आता है वे उसे वेस्ट कर देते हैं, तो इसमें कौन जिम्मेवार हैं? स्वयं बच्चे। दूसरा पॉइंट है बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना अपनी थाली में ले लेते हैं, इसके कौन जिम्मेदार हैं? मिड डे मील एजेंसी। बचे हुए भोजन के दूसरे उपयोग की जानकारी न होना कि और कुछ बच्चे घर से खाना लाते हैं, तो जो तीसरा एग्जाम्पल इसके कौन जिम्मेदार है? मिड डे मील के प्रभारी शिक्षक। और कुछ बच्चे घर के से खाना लाते हैं तो इसके लिए बच्चे ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको बताना चाहिए कि हम घर से सामान अपना खाना लेकर आते हैं। तो नीचे जो हमने हॉटस्पॉट चुना था उस पर हम पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। आप पहला पॉइंट्स लिख सकते हो कि गंदगी फैलाना, और गंदगी कौन फैलाता है? हम सब। कौन जिम्मेवार है? हम सब। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो आम जनता के लिए कठिनाइयाँ, खासकर बाहरी लोगों के लिए, और इसका आप जिम्मेदार किसको बता सकते हो कि पब्लिक टॉयलेट नहीं है? आप बोल सकते हो नगर निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और आप दो पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दो पॉइंट आप अपनी तरफ से आप इसमें मेंशन कीजिए। स्टेप फाइव देखते हैं, तालिका भर लेने के बाद अपने मुद्दे से जुड़े लोगों को का इंटरव्यू लें। इंटरव्यू लेते समय लोगों से समस्या समझने के लिए प्रश्न पूछें। इसके लिए आप इन लोगों से क्यों का प्रयोग करते हुए सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील का एग्जाम्पल दिया है, आप बच्चों से पूछ सकते हो आप खाना क्यों जूठा छोड़ते हैं। मिड डे मील एजेंसी से पूछ सकते हैं क्या आपने बच्चों से खाने के बारे में सुझाव लिया, और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। प्रभारी शिक्षक से आप पूछ सकते हो आपके हिसाब से बच्चों को खाना क्यों पसंद नहीं आता। तो इसी तरह पब्लिक टॉयलेट के संदर्भ में भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो आम जनता से कौन पब्लिक टॉयलेट बनवाने के लिए जिम्मेवार है, और आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आप नगर निगम के अधिकारी से, ऑफिसर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, कि क्या आपने कभी भी इस मुद्दे की तरफ ध्यान दिया। तो ये आप प्रश्न आप पूछ सकते हो, आप और प्रश्न भी इसमें ऐड कर सकते हो। आगे देखते हैं अपने मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से बात करके क्या आपको उसके बारे में कुछ नई जानकारी मिली, तो आप सिर्फ अपनी समझ से नहीं जान सकते थे। इसमें बताना है कि आपको जब लोगों से आपने बात की और ऐसी कौन सी जानकारी मिली जो आप खुद अपनी समझ से नहीं जान सकते थे, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? हाँ, मुझे लोगों से बात करके काफ़ी जानकारी मिली, जैसे लोगों की परेशानी के बारे में पता चला, कौन पब्लिक टॉयलेट बनवाने के लिए जिम्मेवार है ये भी मुझे पता चला। आगे देखते हैं, और लास्ट पॉइंट है हमारा, लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपनी कम्युनिकेशन संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा। आपने जो अपनी कम्युनिकेशन संचार की जो स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, उनके बारे में आपने क्या सीखा। तो आप क्या क्या सीख सकते हो? आपने सीखा होगा कि आपकी शारीरिक भाषा सकारात्मक पॉजिटिव होनी चाहिए, कि आपका जो बोलने का ढंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो आप स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, अगर पॉसिबल हो सके तो आप स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, और उनके जो रिव्यूज़ हैं, उनका जो फीडबैक है, वो आप अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। तो ये दो पॉइंट, आप और पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह मैंने आपके साथ ये वर्कशीट आज ही साझा की है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये जो माई कॉलोनी का मैप बनाया है वो कैसा लगा, और आपने कैसा बनाया है वो भी आप इमेज शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।